इस वीडियो में हम बात करेंगे एडी जियो यानी अदानी टोटल गैस शेयर के बारे में, जहां पे शेयर अभी के टाइम में 1000 के ऊपर के लेवल पर ट्रेड करता हुआ शेयर आपको नज़र आएगा। और याद कीजिए, एक टाइम पे मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, जब भी शेयर स्टेबल कंडीशन में हमें दिखने को मिलता है, इस लेवल पर मैंने बोला हुआ था, इस ये वाला लेवल पर, तब भी कह सकते हो कि या तो शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आती है, या फिर कह लो शेयर में काफ़ी बड़ा गिरावट आता है। बट गिरावट का संभावना एकदम से ना के बराबर होता है उस टाइम जिस टाइम ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ ना हो। अदरवाइज़ अगर हम बात करें, शेयर अगर स्टेबल कंडीशन में लगातार हमें दिख रहा हो और शेयर में कोई भी कह सकते हो मूवमेंट नहीं दिख रहा हो, एकदम वो अपसाइड का बड़ा मूवमेंट, और कोई ऐसा कह सकते हो नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आ रहा हो, तो गिरावट का संभावना कम होता है। बट अगर हम बात करेंगे कि शेयर में सब चीज़ पॉजिटिव हो और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो तेज़ी का काफ़ी संभावना होता है जब स्टेबल कंडीशन में आता है, चाहे वो आप IRFC का नोटिस किए होंगे या फिर रेलवे सेक्टर में और सभी स्टॉक्स का, या फिर कह लो अगर हम बात करेंगे अदानी ग्रुप कहीं स्टॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक महीने का, पिछले एक साल का चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में शेयर कहीं ना कहीं नज़र आया था हमें, थोड़ा डाउन साइड में था बट स्टेबल था थोड़ा सा, आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी आया, फिर यहाँ पे कह सकते हो स्टेबिलिटी हमें थोड़ा दिख रहा है, और फिर से कह सकते हो सकता है ये तेज़ी के बाद थोड़ा गिरावट हो, अलग की बात है। बट मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों, एक स्टेबिलिटी के बाद कह सकते हो कि तेज़ी का संभावना कहीं ना कहीं होता है, अगर कुछ ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल कोई मामला निकल के नहीं आए कंपनी की तरफ से, या फिर कह रहे जो भी, अगर हम बात करें कोई ऐसा निगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आए कंपनी का, तो कह सकते हो कि काफ़ी चांसेस हमें देखने को मिलता है कि तेज़ी हमें देखने को मिल जाए। अब बाकी दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडी जियो के बारे में, कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक महीने में 12% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में 42% का रिटर्न, और अभी शुरुआत यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ही दिन में कह सकते हो यहाँ पे 9% से ऊपर की तेज़ी, 9.5% के आसपास, 9.40% की तेज़ी एक ही दिन में देखने को मिल गया है शेयर में, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन 31 मई को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर, उससे पहले कारोबार के ऊपर बात करेंगे, कारोबार क्या रहा उस दिन का 31 मई का। 9% से ऊपर की तेज़ी, बाय साइड में 4612 क्वांटिटी एम ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसके बाद बात करेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल टू ट्रेडेड क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 26.26% नज़र आ रहा है हमें, यानी 26.26%। एक टाइम था कि 30% 40% से भी ऊपर का बाइंग चल रहा था, बट अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो कम है, बट फिर भी अगर हम बात करें 26% भी उतना भी कम नहीं, यहाँ पर नहीं होता है, बट पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं हमें कम बाइंग देखने में मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर, और ये तेज़ी निकल के आया, इस तेज़ी को लेकर भी कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है, मतलब कह सकते हो इस तेज़ी को लेकर भी कह सकते हो ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तेज़ी के ऊपर दोस्तों और भी काफ़ी सारा कह सकते हो यहाँ पर न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, उसके सभी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो न्यूज़ जो निकल के आते हुए हमें दिख रहा है उसके ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे, तो न्यूज़ क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो अदानी टोटल गैस, आप देखेंगे यहाँ पे अदानी टोटल गैस की वित्तीय देखेंगे स्थिति को हो रही मजबूत, ICRNL देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाकर AA की, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी, मतलब ये न्यूज़ कब का निकल के रहा है, 1 जून का ही न्यूज़ निकल के रहा है, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद की ये न्यूज़ है, और इसका इम्पैक्ट तो आने वाले टाइम में हमें पढ़ते हुए जो भी आप देखेगा वो तो अलग की बात है। बाकी आप देखेंगे अदानी टोटल गैस की वित्तीय स्थिति हो रही मजबूत, सबसे पहली बात, ICRA ने कह सकते हो ICRA ने लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाकर AA की है, आप देखेंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर बेस करके अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। FY24 के चौथे क्वार्टर में अदानी टोटल गैस ने एक साल पहले की अपेक्षा में 71.54% का उछाल दर्ज किया था, और FY24 के मार्च खत्म होने वाले चौथे क्वार्टर में कंपनी ने इनकम 5.099% के इजाफा दर्ज किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो अभी निकल कर आते हुए हमें दिख रहा है, तो नई दिल्ली ICRA की तरफ से अदानी टोटल गैस लॉन्ग टर्म रेटिंग को बढ़ाकर AA कर दिया गया है, और ICRA ने इसका आउटलुक को भी स्थिर बताया, और सेल्स वॉल्यूम में लगातार हो रही ग्रोथ की वजह से कंपनी की वित्तीय हालत में आई मजबूती,
अब यहाँ पे आई मजबूती को इसकी वजह बताया गया है और ICRA ने कहा FY24 में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ जारी रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें अच्छा ग्रोथ जारी रखा है कंपनी ने। और अगर हम बात करें पारंपरिक GAS 1, अगर हमें बढ़ती डिमांड के साथ ही एक नए आप यहाँ पे जियोग्राफिक कह सकते हो क्षेत्रों में भी कंपनी की पहुँच से इनकम में बढ़ोतरी हुई है और कंपनी की A+ A1+ की शॉर्ट टर्म रेटिंग की आप देखेंगे A1+ की शॉर्ट टर्म रेटिंग की ICRA ने दोबारा पुष्टि की है। ICRA के मुताबिक कंपनी की लॉन्ग टर्म मांग अच्छी दिख रही है। कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट से CGD नेटवर्क को आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ने और इसके ऑपरेशनलाइजेशन से फ़ायदा होगा आप देखेंगे यहाँ पे। बाकी और भी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी कह सकते हो इससे जुड़ा जो भी न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। ICRA ने अदानी टोटल गैस मामले अब धही यहाँ पे सामने मौजूद चुनौतियों में 9 से 10 और 11वीं CGD अब धही यहाँ पे नीलामी राउंड में मिले कॉन्ट्रैक्ट में निवेश, जो कि और यहाँ पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को रखा है। और साथ ही अब देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ कह सकते हो कि ICRA का रेटिंग भी हमें देखने को मिला। अलग अलग अदर अदर साइड पे भी आप देखेंगे ICRA अपग्रेड अदानी टोटल गैस टू AA विथ स्टेबल आउटलुक। अब देखेंगे यहाँ पे स्टेबल आउटलुक के साथ द कंपनी हैज़ करंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 6 MW मोर देन 500 चार्ज पॉइंट अंडर कंस्ट्रक्शन एंड सारी चीज़ें एक एक करके हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कह सकते हो कि ICRA का जो भी कह सकते हो यहाँ पे अपग्रेडेड रेटिंग जो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है स्टेबल आउटलुक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये तेजी के बाद कुछ यहाँ पे अदानी टोटल गैस शेयर जूम 11% टूडे व्हाट नेक्स्ट टेक्निकल चार्ट। अब टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सुरेश पी देखेंगे मंगलानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO एट आनंद राति सेद वी आर एक्सपेंडिंग आवर एनर्जी ऑफरिंग्स एज ए हाई ग्रोथ पोटेंशियल सेगमेंट लाइक ई मोबिलिटी और जो भी आप देखेंगे बायोगैस एंड LNG ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग और बिसाइड्स फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स फ्यूचर प्रूफिंग जो भी हमें देखने में मिल रहा है कि करके आप देख सकते हो। ICRA का रेटिंग अपग्रेड हुआ उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया न्यूज़ में। ऑन टेक्निकल चार्ट सपोर्ट ऑन द काउंटर कुड सीन एट 950 सपोर्ट 950 का लेवल सपोर्ट यहाँ पे देखने में मिल रहा है एंड ए डिसिसिव क्लोज अबव 1060 इज रिक्वायर्ड टू मोर अपसाइड। तो 1060 का लेवल एक कह सकते हो कि एक लेवल रहने वाला है जहाँ पे ए डिसिसिव क्लोज एवो 1060 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो अपसाइड का काफ़ी चांसेस में देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हो उस एक लेवल है 1060 का कह सकते हो एक लेवल है। सीजो को तो प्लाकल टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर सेड द स्टॉक हैज़ रिकवर्ड सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नियर टर्म टारगेट विल बी 1100 एंड सपोर्ट मेंटेन 950 का जोन एज ऑफ नाउ। 1100 का टारगेट नियर टर्म में कह सकते हो आप नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नियर टर्म टारगेट 1100 का दिया सीजू को धुपला कल टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से दोस्तों करम प्रभुदास लीलाधर और मेंटेन करने को कहा 950 का जोन सपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में रवि सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल रिसर्च और देखेंगे ब्रोकिंग सेड अब रेलीगेयर ब्रोकिंग सेड आप देखेंगे यहाँ पे द स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू हिट एंड अपसाइड टारगेट ऑफ 1150 का लेवल और कीप स्टॉप लॉस प्लेस यहाँ पे 980 का लेवल इन्होंने स्टॉप लॉस दिया और 1150 का लेवल टारगेट यहाँ पे दिया इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ओशो कृष्णन कह सकते हो यहाँ पे ओशो कृष्णन सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एट एंजल वन सेड द काउंटर हैज़ अरेक्टेड अब देखेंगे यहाँ पे सम बाइंग ट्रैक्शन फॉर नाउ 1050 1060 मेजर हर्डल डिसिसिव ब्रिज कोड ट्रिगर फ्रेश मोमेंटम इन द काउंटर। वहीं दोस्तों अगर हम बात निकल कर रही है सपोर्ट यहाँ पे 950 940 का दिया 1060 के आसपास कह सकते हो एक लेवल दिया जहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है तो ये कुछ मतलब कि जो भी न्यूज़ में था मैंने आपको मेंशन किया गया था मैंने आपको बताया दिया है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन निकल गया है नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। फिलहाल वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है अदरवाइज इग्नोर। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।